तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एके मोटर टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अक्षांश भट्ट और आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट दी मारुति सुजुकी डिजायर सिक्योरिटी सिस्टम। चूँकि आप देख सकते हैं हम इसको सेटिंग करने जा रहे हैं आज, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मेरे पास की है इसकी, हम गाड़ी को लॉक कर लेते हैं एक बार। डोर खुला हुआ है, यहाँ पर गाड़ी को लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर सुन सकते हैं आप वॉइस, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी बीप वगैरह नहीं आ रहा है इसका। सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म ऑफ है। गाड़ी को अनलॉक करते हैं और अंदर की तरफ जाके हम सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर MID आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से MID आती है, जिसके अंदर आपको ये नॉच है उसको एक बार प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट वगैरह सब आ रहा है। राइट साइड आप घुमाओगे कुछ इस प्रकार से, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम में जाना है, S2 में जाना, उसमें क्लिक करना है और वहाँ पर जाके आपको यहाँ पर देख सकते हैं S1 दिया है, S2 पर सेट है मतलब कि ऑफ है, और यहाँ पर बैक दिया हुआ है, आपको S1 पे क्लिक कर देना है तो सक्सेस हो गया है कुछ इस प्रकार से। फिर आपको S2 पे जाना है, S2 पे जाकर आपको सेंसिविटी सेट कर लेनी है, S3 पर जाके सेंसिविटी सेट कर लेनी है। इसकी सेंसिविटी आपको कुछ ज़्यादा रखनी है, 12 तक रख देते हैं, सक्सेस हो गया। और S4 की सेंसिटिविटी आपको उससे आधी रख देनी है, 6 तक 7 तक रख देते हैं, सक्सेस हो गया। तो चलिए अब की निकाल लेते हैं, अब ट्राई कर लेते हैं, गाड़ी को लॉक कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आप सेंसिटिविटी देख सकते हैं, कुछ हल्का सा करेंगे क्लिक। तो पहले आपने जैसे ही देखा बीप की, हम गाड़ी को लॉक करते हैं उसके बाद करते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लॉन्ग बीप करेगी गाड़ी, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बीप करेगी आपको ये सिस्टम ऑन करना हो तो। तो ये था वीडियो अबाउट द मारुति सुजुकी सिक्योरिटी सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों।